Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Ubais Alam, third year MBBS student at Government Medical College, Fatehpur. तो अभी जो choice filling है All India Quota MCC की MBBS, BDS, BSc Nursing की start हो चुकी है. जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो अभी यहाँ आपको दिखा रहा होगा choice filling will start soon, हालांकि start हो गई है. तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो choice filling कर लें. इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप choice filling करनी है और लाइव यहाँ पर करके भी दिखाएंगे. तो सब स्टूडेंट यहाँ पर देख लें, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, इसी के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करनी है. और उसके लिए सबसे पहले आप एक प्रेफरेंस जो है बना के रख लें अपने टेबल पर, ताकि आपको पता हो कि किस ऑर्डर में किस कॉलेज को भरना है. तो उसके लिए आप अपनी पहले ही प्रेफरेंस लिस्ट बना लो, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है सिर्फ 12 मिनट का मिलेगा, उसके बाद जो है ये लॉग आउट हो जाता है सेशन. तो लिस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं. हम 1200 रुपीज़ में कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, रूल्स, रेगुलेशन और प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करते हैं. तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं. बाकी अगर खुद से आप बना चुके हैं तो वेल एंड गुड. यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहीं से लॉगिन करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन डालकर और ओटीपी डालकर. जब आप लॉगिन कर लेंगे तो जब आप यहाँ पर वेबसाइट में लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस है कुछ इस टाइप का पूरा दिखाई देगा, जिसमें एक तरफ तो टाइमिंग चल रहा होगा. ये आपको ध्यान देना है कि एक बार जब आप लॉगिन कर लेंगे तो 12 मिनट के अंदर अंदर जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना होगा. उससे पहले पहले जो भी आपने चॉइसेस भरी हैं उनको एक बार सेव कर लेना. मैं इसमें पूरा आपको बता दूंगा अभी कैसे करना है, क्योंकि जो सेशन है वो 12 मिनट के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएगा एक बार जब आप लॉगिन करते हैं. तो चॉइस फिलिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है. यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे ऑप्शन आ गए, टोटल अवेलेबल चॉइसेस. तो इस स्टूडेंट ने जो जिनका हमने रजिस्ट्रेशन कराया था अपनी टीम के थ्रू, तो इन्होंने ऑल इंडिया कोटा यानी MBBS के और BDS के कॉलेजेस और उसके साथ ही जो ओपन सीट्स थी BDS वाली और MBBS वाली, तो उन दो ऑप्शंस को यहाँ पर चूज़ किया था. तो टोटल 448 यहाँ पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं. अगर कुछ स्टूडेंट ने इससे ज़्यादा ऑप्शंस को चूज़ किया होगा, फॉर एग्जांपल किसी ने BSc नर्सिंग को भी चूज़ किया होगा, तो उनके और ज़्यादा यहाँ पर टोटल अवेलेबल चॉइसेस आ रहे होंगे. किसी ने अगर डीम्ड को भी चॉइस किया होगा तो ज़्यादा आ रहे होंगे और भी ज़्यादा, ठीक है. तो ये टोटल जो अवेलेबल चॉइसेज है ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगी. ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने ऑप्शन को जो है यहाँ पर चूज़ किया है, ठीक है. तो यहाँ पर आपको दिखा रहा फील्ड चॉइसेस जीरो, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं किया किसी ने भी. अनफील्ड चॉइसेस यहाँ पर 448 और चॉइस स्टेटस जो है वो अनलॉक्ड है. यहाँ पर सबसे पहले एक एडवाइजरी है सभी स्टूडेंट के लिए. यू आर एडवाइज टू फिल अप ओनली दोज चॉइसेस विच यू वांट एंड इंटेंड टू लाइक टू एक्सेप्ट एंड ज्वाइन. ये कह रहे हैं जो कॉलेज आप लेना चाहते हैं उसी सीट्स को जो है यहाँ पर भरें. कोई भी ऐसा कॉलेज ना भरें जिसको आप लेना नहीं चाह रहे. हालांकि आपके पास फ्री एग्जिट भी है, कोई ऐसा कॉलेज भी अभी आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाता है जो आप नहीं लेना चाहते, तब भी आपके पास ये मौका है कि आप उसमें जाकर एडमिशन ले लें. आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो बचा रहेगा. तो आपको जब यहाँ पर आएंगे तो अवेलेबल सर्विसेज वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें आप देखेंगे तो चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है इसमें न्यू लिखा आ रहा है. आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा. और यहाँ से सबसे पहले आपको देखना अपना पासवर्ड डालना होगा. जो भी आपने एक पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को आप एंटर करेंगे. तो यहाँ पर जो है मैं एंटर कर देता हूँ पासवर्ड अपना. फिर यहाँ पर ये पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा और फिर जो हमारा पासवर्ड है वो सबमिट हो जाएगा. तो अब इसके बाद जब एक बार पासवर्ड आप डाल देंगे तो यहाँ पर ये कहेगा आपका जो सेशन है ये 12 मिनट के अंदर अंदर क्लोज हो जाएगा. तो इस 12 मिनट के अंदर ही आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी है. अब सारे ऑप्शन जो आपको देखने एक एक करके मैं यहाँ पर बताता हूँ. तो मेन जो है जिन ऑप्शन के साथ आपको चलना है वो तीन है, एक है इंस्टीट्यूट टाइप, एक है इंस्टीट्यूट और एक है प्रोग्राम. इन तीन फिल्टर के थ्रू आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी है. फिर जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे जो ऐड होती जाएंगी वो इस ऑप्शन में दिखती रहेंगी. तो मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे सबसे पहले जो पहला है यहाँ से आप इंस्टीट्यूट टाइप चूज़ कर सकते हैं. ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी AIQ की सीट आप देखना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा, या फिर आप अगर एम्स को चूज़ करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं. BSc नर्सिंग तो यहाँ से कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है. तो कोई भी एक मैं करके दिखाता हूँ. जैसे ऑल एम्स कॉलेजेस मैंने यहाँ पर डाला, तो अब जितने भी एम्स के कॉलेजेस हैं यहाँ इधर साइड में चल रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा जितने भी टोटल. उसी तरह से आप कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ करना चाह रहे हैं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो अब जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पर साइड में आ गए हैं, ठीक है. अभी मैं पूरे ऑप्शंस दिखा रहा हूँ, फिर आप कैसे ऐड करना ये भी बताऊँगा. फिर उसी तरह से कोई फॉर एग्जांपल BSc नर्सिंग के कॉलेजेस को ऐड करना चाह रहा है, अब यहाँ पर इनके लिए नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि इन्होंने चॉइस नहीं किया था, BSc नर्सिंग का डाला नहीं था. डीम्ड यूनिवर्सिटी कोई करना चाह रहा है तो उसके लिए यहाँ पर चलेगा साथ में, लेकिन इनका नहीं चल रहा है. क्यों? क्योंकि इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था डीम्ड यूनिवर्सिटी को, इन्होंने सिर्फ ऑल इंडिया कोटा यानी ये वाली सीट्स और एम्स की सीट्स को ही चूज़ किया था और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की. तो ये तीनों ऑप्शन इनके यहाँ पर फंक्शनल हैं. बाकी अगर आप देखेंगे तो जिपमर भी यहाँ पर जो है फंक्शनल है, क्योंकि वो भी ओपन सीट्स के अंदर आता और ओपन इन्होंने सेलेक्ट किया था, ठीक है. तो ये तो हो गया सीट टाइप. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको AMC रखता हूँ सिर्फ,
फिर दूसरा आ जाता है यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट टाइप के हिसाब से भी इंस्टीट्यूट के नेम से भी यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करना है, ये जो इंस्टीट्यूट वाला है। अभी आपको ये वाला जो ऑप्शन बताया था मैंने, ये भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंस्टीट्यूट टाइप को भी। आपको सबसे पहले जो चूज़ करना है वो है प्रोग्राम वाला। अब प्रोग्राम में आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, देखो यहाँ पर एक BDS का ऑप्शन आ रहा है, एक MBBS का ऑप्शन आ रहा है। अभी क्योंकि इन्होंने दो ही BSc नर्सिंग के लिए सेपरेटली चूज़ नहीं किया था, इसलिए BSc नर्सिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हालांकि एक और स्टूडेंट का मैं लॉगिन करके देख लूँगा, अगर ऐसा होगा कि BSc नर्सिंग की फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है, ऐसा होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी जो सीट मैट्रिक्स है ऑल इंडिया कोटा से BSc नर्सिंग की आ चुकी है। अब यहाँ पर BSc नर्सिंग का ऑप्शन इस वजह से नहीं आ रहा होगा क्योंकि इस स्टूडेंट का जो फॉर्म भरा था उसमें हमने BSc नर्सिंग चूज़ नहीं किया था, BSc नर्सिंग चूज़ नहीं किया। तो BDS और MBBS के लिए सेपरेटली हमें चूज़ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप दोनों का ऑप्शन देता है, हमें बस डीम्ड वगैरह के लिए चूज़ करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर MBBS के कॉलेजेस बनने हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी रिंग पर MBBS नहीं मिलेगा, तब भी आपको सबसे पहले MBBS के कॉलेजेस ही भरने हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर सबसे पहले MBBS भर लिया। अब जितने भी MBBS के कॉलेजेस होंगे ये यहाँ पर साइड में आ जाएंगे। अब इसमें जितने भी ऑप्शन होंगे आपके पास वो सब आ जाएंगे नीचे तक, आप जो है जाकर देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट नीचे तक चलती रहेगी। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है, तो पूरे कॉलेजेस यहाँ पर आ जाएंगे जो 448 इनकी चॉइस फिलिंग में दिख रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, कोई एक कॉलेज फॉर एग्जांपल आपको डालना है जो इसमें ऐड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बताता हूँ, कोई भी एक कॉलेज ले लेते हैं, एम्स, कोई एम्स देखते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर एम्स न्यू दिल्ली जैसे दिख रहा, तो हमने ऐड कर दिया, ऐड के ऑप्शन पर क्लिक किया तो इधर कॉलेज जाकर ऐड हो गया। ठीक है, उसी तरह से आपने दूसरा फॉर एग्जांपल एम्स ऋषिकेश डालना था, आपने ये भी ऐड कर दिया तो यहाँ दूसरे नंबर पर। अब जब आप जो भी कॉलेज ऐड करते रहेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपने एम्स ऐड किया था तो एम्स चॉइस नंबर वन दिखा रहा है, दूसरे नंबर पर आपने एम्स ऋषिकेश ऐड किया था उसकी चॉइस नंबर टू दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, एक आप रिमूव करते हैं कॉलेजेस को, या फिर आप इसको अप या डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अप डाउन का मतलब क्या है, अगर जैसे आपने जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं एम्स ऋषिकेश को अभी दूसरे नंबर पर चॉइस फिलिंग में आ रहा है, आप चाहते हैं कि इसको ऊपर रख ले जाना, तो आप अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एम्स ऋषिकेश ऊपर पहुँच गया, एम्स दिल्ली नीचे आ गया। आप अगर डाउन पर क्लिक करना चाहते हैं कि एम्स दिल्ली को मुझे नंबर वन पर रखना है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप ऊपर नीचे जो है चॉइस इसको कर सकते हैं। अब अगर आपको कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर देखना है, तो जो कॉलेज है यहीं पर फ़ी डिटेल आपको दिख रही है, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे फ़ी डिटेल पर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एम्स भोपाल का दिखाता हूँ, तो फ़ी स्ट्रक्चर पर जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो फीस है कॉलेज की दिख जाएगी, कॉलेज नेम, कोर्स कौन सा है और उसकी फ़ीस कितनी है। तो इस तरह से मेनली जो डीम्ड वाले स्टूडेंट उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर कॉलेज की जो है फ़ीस देख लें, तो इस तरीके से आप यहाँ से जो है सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी स्टूडेंट के नाम इंस्टीट्यूट के नेम से चेक करना है, तो यहाँ से पूरे इंस्टीट्यूट आ रहे होंगे, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद में, डियर कैंडिडेट यू हैव डन सम चेंजेस इन द चॉइस, दीज चेंजेस आर नॉट सेव्ड येट, डू यू वांट टू सेव। अब ये आपसे खुद भी पूछेगा और ये बेहतर है कि आप सेव कर लें, जो भी चॉइस फिलिंग मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, और ये आपको मैसेज भी देगा कि इस टाइम पर इस डेट में आपने दो चॉइसेस को सेव कर लिया है। इससे क्या होगा, जब आपका अगर लॉग आउट भी हो जाता है तो अब ये चॉइसेस आपकी सेव रहेंगी, और जितनी भी चॉइसेस आप यहाँ पर भरेंगे वो इसमें सेव रहेंगी, और सेव होने के बाद जो लास्ट डे है यानी 20th of August को आपको इन्हें लॉक करना है। अगर उस टाइम पर आप लॉक नहीं भी करते हैं तो ऑटो लॉकिंग हो जाएगी, ऑटो लॉकिंग हो जाएगी। ऑटो लॉकिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपने सेव कर रखी है चॉइसेस वो अपने आप लॉक हो जाएंगी, इसमें कोई भी हालांकि चेंज नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप 20 तारीख को 3 बजे के बाद एक बार लॉगिन करके देख लें जो भी चॉइसेस थी आपने उसके अकॉर्डिंग भरी हुई हैं या नहीं, और फिर उसके बाद ही उसको जो है लॉक अपने हाथ से कर दें। अगर नहीं भी करेंगे तो अपने आप ऑटो लॉकिंग सिस्टम के थ्रू हो जाएगी। अगर आपको जो है यहाँ पर जो भी कॉलेजेस हैं उनका देखना है कि इंस्टीट्यूट एड्रेस देखना है या इंस्टीट्यूट टाइप देखना, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इंस्टीट्यूट एड्रेस आपने डाला तो जो भी कॉलेजेस हैं उनकी ये पूरा वो भी आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है कि कॉलेज कहाँ पर है, फिर उसके बाद आप उस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, जैसे एम्स गोरखपुर यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जिस भी कॉलेज का आप देखना चाहें वहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कुशीनगर, ये अभी नया कॉलेज था, इसकी आपको फ़ीस देखनी है जैसे, तो इसकी फ़ीस कितनी है 36,800। तो मुझे लगता है जितने भी नए कॉलेजेस होंगे यूपी वाले उनकी मोस्टली सेम ही रहती है। तो जो भी कॉलेज का आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर, तो इसकी आप देखेंगे तो ये 40,800 है, हालाँकि इसमें हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड है। तो आप यहां से कॉलेज का एड्रेस, इंस्टीट्यूट टाइप देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो इंस्टीट्यूट टाइप भी आ जाएगा। इंस्टीट्यूट एड्रेस मैं हटा देता हूं जैसे, तो अब इंस्टीट्यूट टाइप यहां पर लिखा आ जाएगा। ठीक है, कैसा इंस्टीट्यूट टाइप है, ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी AIQP सीट। आप इस भी ऑप्शन को हटा देंगे तो जनरल कॉलेज का नेम आएगा, कोर्स आएगा, कौन सा कोटा है, कॉलेज को ऐड करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से
ऑप्शंस को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। अभी एक आपने ऑलरेडी प्रेफरेंस लिस्ट बना दी होगी, उसी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको कॉलेजेस को ऐड करना है, ठीक है। मैं और ऑप्शंस आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। एम्स गोरखपुर हमने ऐड कर लिया, एम्स जोधपुर ऐड कर लिया, एम्स नागपुर, एम्स रायबरेली पटना, और यहाँ पर जैसे मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट पहले सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने क्लिक किया और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी वो आपके सामने आ गई। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज एमयू, यानी एमयू अलीगढ़ आपने ऐड कर दिया। बीएचयू आपने ऐड कर दिया, लेडी हार्डिंग ऐड कर दिया, मौलाना आज़ाद ऐड कर दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यूसीएमएस ऐड कर दिया, वीएमएमसी ऐड कर दिया, अटल बिहारी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो कॉलेज आपने ऐड किए थे सेंट्रल वाले सब ऐड कर दिए, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब जो चॉइस के नंबर हैं, अब ये जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया था उस ऑर्डर में आपको दिख रहे होंगे। अब इनको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग पहले नंबर पे हमने बोला था एम्स दिल्ली रखना है और दूसरे पे मौलाना आज़ाद, तो मौलाना आज़ाद अभी काफ़ी नीचे पहुँच गया होगा आप देखेंगे ये, तो आप इसको अप कर सकते हैं। ये थोड़ा और ऊपर पहुँच गया, और अप करेंगे, और अप करेंगे, और अप करेंगे, मतलब ऊपर ले जा ले जाकर। तो इसलिए बेहतर है जब जिस ऑर्डर में आप कॉलेज ऐड कर रहे हैं उसी ऑर्डर में करें, ठीक है। और अप ले गए, और अप ले गए। अब देखो यहाँ पर पहले नंबर पे क्या हो गया, अब एम्स दिल्ली हो गया, दूसरे पे मौलाना आज़ाद हो गया। अब इसमें किसी भी कॉलेज को आप निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एम्स ऋषिकेश या किसी भी एक कॉलेज को, एम्स जोधपुर को आप जो है फिफ्थ पे नहीं रखना चाहते, तो आप रिमूव पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये आपका रिमूव हो जाएगा। उसी तरह से एम्स नागपुर को नहीं, जिस ऑर्डर में मैंने बताया था उस ऑर्डर में आप जो भर लेंगे। और जितने भी स्टूडेंट को नहीं पता है कि किस ऑर्डर में कॉलेजेस को भरना है तो वो पेड काउंसलिंग हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हमने पूरे इंडिया के सभी कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। बाकी जो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो सीट मैट्रिक्स आया है नया उसका क्या इंपैक्ट रहेगा कट ऑफ पर, यानी कितनी सीट्स बढ़ी हैं, नए कॉलेजेस कितने ऐड हुए हैं, ये पूरा आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये मुझे डेमो वीडियो बनानी थी और किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है ये मुझे बताना था, तो यहाँ पर जो है क्योंकि टाइम भी सेशन आउट इसका होने वाला है 2 मिनट 30-35 सेकंड में, तो इसके बाद भी आपकी अगर कोई क्वेरी बचती है कि कैसे करना है, हालांकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने बता दी हैं कि इसी ऑर्डर में आपको कॉलेजेस को ऐड करना है, रिमूव करना है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करनी है, जितने भी कॉलेजेस आप ऐड करें यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर डू यू वांट टू सेव, तो एक बार सेव कर लेंगे ना तो जो भी आपकी चॉइस है ये बताएगा भी कितनी चॉइसेज आपने ऐड की हैं, किस टाइम पर सेव किए हैं, तो सेव करते रहना बीच बीच में क्योंकि सेशन बहुत बार एक्सपायर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार सेव कर दी तो आप उसमें कॉलेज ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रिमूव करके दिखाता हूँ इसको, तो आप रिमूव कर दिए, अब 11 ही चॉइसेस बची, लेकिन फिर से एक बार सेव कर दो तो अब ये फिर से बताएगा। कितनी भी बार सेव ऐड कर सकते हैं और जितने भी यहाँ पर कह रहे हैं योर सेशन विल एक्सपायर्ड, अब ये कह रहे हैं कि आपका सेशन इतनी देर में एक्सपायर होगा, काइंडली सेव, तो आपको सेव करना है टाइम टू टाइम। ये सेशन एक्सपायर भी नहीं हुआ देखो, और खुद से जो है दूसरा शुरू हो गया, हालाँकि ये तो अच्छा है, तो फिर से हमें टाइम मिल गया यहाँ पर। तो मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें जो थी मैंने यहाँ पर कवर कर दी, तो आप फिल्टर लगा लगा के अलग अलग तरह के कॉलेजेस को देख सकते हैं और कॉलेजेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताता रहेगा टोटल कितनी आपने फिल की हैं, कितनी सेव कर रखी हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा टोटल सेव्ड चॉइसेस, सेविंग टाइम, सब कुछ आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से ही जब आपका कंप्लीट हो जाए सेव एंड गो टू होम, सेव करके आप होम पर जा सकते हैं, यानी जो भी आपने चॉइसेस भरी हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, देखो अपडेटेड दिखा रहा है। टोटल अवेलेबल चॉइसेस 448 थी, फील्ड चॉइसेस कितनी हैं 11, अनफील्ड कितनी है 437, यानी अभी और 437 कॉलेजेस हैं जिनको ये भर सकते हैं, MBBS, BDS हर तरह के होंगे। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर डेमो दिखाना था, यहाँ पर चॉइस लॉकिंग का फीचर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 20 को स्टार्ट होगा, उस टाइम पर जो है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपकी कोई क्वेरी बचती है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, तब के लिए थैंक यू।